ओके गाइस, द फर्स्ट हैक में इन्होंने बलून लिया है, उसके ऊपर लगाई है थोड़ी सी वैसलीन और टूथपिक लेकर इन्होंने एक ट्रिक दिखाई है हमें, मैजिकल ट्रिक कि अगर आप वैसलीन लगाकर टूथपिक इसके अंदर डालते हो तो बैलून आपका टूटेगा नहीं। तो यार ये ट्रिक मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं यार ये हैक वर्क करता है या फिर नहीं। तो बलून के ऊपर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ वैसलीन। तो यार मुझे तो नहीं लगता ये हैक वर्क करेगा, कि ऐसे यार बलून को कुछ नहीं होगा, मतलब उसके अंदर टूथपिक डालने से तो यार वो टूट जाएगा। ओह माय गॉड यार ये टूट ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। ओके ओके ओके, ओह माय गॉड यार सच में ये क्या है यार, ये तो मैजिक है, मतलब पूरा अंदर चला गया इसके अंदर और बलून टूटा नहीं यार। वाओ सच में गाइस ये मैजिक तो वर्क करता है, अगर आप वैसलीन लगाकर ये ट्रिक ट्राई करते हो उसके अंदर चली जाती है। और बलून यार हवा भी नहीं निकल रही है इसके अंदर से, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कुछ आपने किया ही ना हो इसके साथ गाइस। एंड सेकंड हैक में इन्होंने एक बलून लिया है और इसके अंदर डाली है जिलेट शेविंग क्रीम। ओके और क्रीम डालने के बाद ये क्या कर रहे हैं गाइस, इसको इन्होंने अच्छे से बंद कर दिया है। ओके गाइस मतलब ऐसा करने से, इसके अंदर शेविंग क्रीम डालने से आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, स्ट्रेस रिलीवर बनाया है गाइस इन्होंने। तो ये हैक हम ट्राई करके देखते हैं, बहुत ही वियर्ड सा हैक लगा मुझे यार, इसके लिए मैं जिलेट शेविंग क्रीम ख़राब करने वाली हूँ, पता नहीं वर्क करेगा या नहीं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिलेट क्रीम, बहुत डांट पड़ने वाली है गाइस ये हैक ट्राई करके तो मुझे सच में। अरे लग जा यार, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, शिट इतनी सारी ख़राब कर दी गाइस मैंने। तो चलो थोड़ी बहुत इसके अंदर जैसे वैसे डली मैंने डाल दी है यार, तो इससे यार मेरा स्ट्रेस तो कोई दूर नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे स्ट्रेस और भी ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा शेविंग क्रीम मैंने ख़राब कर दी। ऐसा करने से यार कौन सा स्ट्रेस दूर हो जाएगा आपका, तो ये हैक तो मुझे नहीं अच्छा लगा यार, शेविंग क्रीम ख़राब करोगे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, इसने तो स्ट्रेस और बढ़ा दिया गाइस। एंड नेक्स्ट मैजिक ट्रिक में इन्होंने दिखाया है कि मैच स्टिक को जब हम किसी ग्लास के अंदर डालेंगे तो बलून इसके ऊपर चिपक जाएगा यार, बलून मतलब ग्लास को होल्ड कर लेगा। सच में ये ट्रिक वर्क करेगी, मुझे नहीं लगता यार ये ट्रिक वर्क करेगी, तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैं दो ग्लासेस ले रही हूँ, एक मैंने प्लास्टिक लिया है दूसरा कांच का लिया है, दोनों में हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैच स्टिक मैं डालने वाली हूँ और फटाफट से हम बलून इसके ऊपर रख देंगे यार ये टूट ना जाए गाइस। तो देखते हैं ग्लास इसके अंदर होल्ड होता है या नहीं। दो मिनट मैंने अच्छे से होल्ड करके भी रखा, कोई ग्लास इसके ऊपर नहीं लगा यार, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है इसने ग्लास को। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है मैंने अच्छे से ट्राई ना किया हो, मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करके देखती हूँ। मैं प्लास्टिक वाले कंटेनर के अंदर डाल के देखती हूँ, पहले मैंने ग्लास लिया था गाइस और प्लास्टिक के अंदर हम ट्राई करके देख लेते हैं ये वर्क करता है या नहीं। यार मुझे ऐसे लग रहा है बलून ना टूट जाए गाइस, नहीं यार ये ट्रिक तो वर्क नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ग्लास कैसे लग जाएगा इसके ऊपर, नो गाइस। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने बलून लिया है, उसके ऊपर लगाई है सेलो टेप और पूरा टाइटली से लगाई है और इससे इन्होंने बॉल बनाई है कि आप इसको एज ए बॉल की तरह खेल सकते हो बलून के साथ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने एक बलून ले लिया है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की सेलो टेप लगा रही हूँ और टेप लगाते टाइम मुझे लग रहा है ये बलून टूट जाएगा, बिकॉज़ पूरा टाइट टाइट हमें टेप लगाना है ताकि हमें इसको बॉल बनानी है गाइस, एज ए फुटबॉल की तरह हम इसके साथ खेल सकते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके, इसको बॉल बनाने से पहले मुझे लग रहा है इस बलून को मैं तोड़ दूंगी यार, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी सारी टेप मैंने लगा दी है, अब ये टूट ना जाए यार। पूरा अच्छे से इसको कवर करना है टेप के साथ ताकि पूरी हैवी सी हो जाए, ये बलून पूरा हैवी हो जाए और टेप भी हमें पूरी टाइटली कवर करनी है इसके साथ गाइस। एंड आप वीडियो देखने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ आप गेस करो कि ये हैक वर्क करेगा या फिर नहीं। तो चलिए इसके साथ हम खेल के देखते हैं, हमारी फुटबॉल तैयार हो गई है। ओह माय गॉड यार ये थोड़ा बहुत वर्क तो कर रहा है बट कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वर्क किया है ये हैक। तो आप ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ ये हैक वर्क करता है या फिर नहीं। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने दिखाया है, अगर आपके घर पर कोई भी मेसन जार का कैप गुम हो गया हो तो आप एज बलून को एज ए कैप यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं ये हैक ट्राई करके, यार वैसे तो हमारे पास इसका कैप है बट मैं इसको एज अ बलून को यूज़ करके देखती हूँ बैलून को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं।
लग जा लग जा लग जा यार लग जा, ओ माय गॉड लग तो गया है, इसको छोड़ दूँ, वो उतर गया यार, ये कैसा कैप हुआ, फिर से ट्राई करके देखते हैं एक बार। तब बलून को मैं फिर से इसके ऊपर लगाने वाली हूँ, पूरा जोर से आपको ऊपर से पकड़ना है ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए। ओके 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 ओके, लग जाना यार प्लीज़। ओफो यार फिर से उतर गया, छोड़ो कोई और बलून ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने कोई और कलर का बलून लिया है, हो सकता है मेरा बेचारा बलून ख़राब हो, तो इसको देखते हैं लगा कर। यार लग जाना, बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, लग जा प्लीज़, उतरना मत, थैंक गॉड ये लग गया गाइज। तो गाइज ये आपको कैसा लगा ये वाला हैक, आप ट्राई कर सकते हो, इसको एज अ कैप यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आपका कंटेनर का कोई भी लिड गुम हो गया हो, कैप आपको ना मिल रहा हो, तो आप ऐसे बलून लगा सकते हो यार, ये ट्रिक तो वर्क करती है सच में। एंड नेक्स्ट ट्रिक मैंने उन्हें दिखाया है कि जब भी हम ग्लास को मूव करते हैं वो कितना ज़्यादा हिलता है, बट अगर हम उसके नीचे बलून लगा देंगे थोड़ा सा कट करके, तो वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो ये ट्रिक हम ट्राई करके देखते हैं। ग्लास आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हिल रहा है, उसके नीचे मैं बलून लगा कर देखती हूँ कि बलून लगाने से ये हिलता है या फिर नहीं। तो ये ट्रिक तो लगता है गाइस, ये मैजिकल ट्रिक तो काम करेगी, बट देखते हैं। अरे लग जा यार प्लीज़। ओके तो अब इसको, ओ माय गॉड ये हैक भी वर्क करता है सच में, ग्लास अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा बलून लगाने के बाद। वाओ ये तो मैजिक है गाइस, ये हैक वर्क करता है, और अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हिल रहा है। ओके गाइस तो सबसे पहले मैं एक बलून ले रही हूँ और नीचे से थोड़ा सा आपको कट करना है, फिर हम ट्राई करते हैं ये वाला हैक। तो आप देख सकते हो आप इजीली क्लीन कर सकते हो अपनी किचन को, बट यार ये कुछ ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगा। आप बिना बलून के हाथ से भी यार कितना मर्जी पानी डाल सकते हो, तो ये तो क्या ट्रिक है यार, इसमें बलून लगाने की क्या ज़रूरत है, आप बिना बलून के भी ये हैक ट्राई कर सकते हो। तो ये हैक मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो यार। एंड नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं रिस्की सा हैक, उसके लिए आपको चाहिए हेयर ड्रायर और प्लास्टिक की बॉटल, और बॉटल को कट करके आपको इसके ऊपर लगाना है और टेप लगानी है, और इसके थ्रू आप जितने मर्जी बलून्स ब्लो कर सकते हो। ओके तो उसके लिए चाहिए आपको अपना हेयर ड्रायर, और प्लास्टिक की बॉटल को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, इसको इक्वल करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको राउंड शेप में और कट कर दूंगी, और इसके ऊपर हम लगाएंगे सेलो टेप। तो देखने में तो लग रहा था यार ये हैक वर्क कर जाएगा, बट ट्राई करके देखते हैं। और इसके कैप के अंदर मैंने थोड़ा सा होल बना दिया है ताकि हम जो बलून ब्लो करेंगे वो अच्छे से हो जाए। एंड इसको लगाते हैं अब हमारे हेयर ड्रायर के ऊपर, और पूरा अच्छे से मैं कवर कर दूंगी टेप से इसको, ताकि ये बॉटल जो भी हमने लगाई है बिल्कुल भी उतरे ना इसके ऊपर से। और फिर देखते हैं कि ये हैक वर्क करता है या फिर हो जाता है फेल। ओके गाइस तो ये अच्छे से फिक्स हो चुकी है बॉटल इसके ऊपर, और मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ बलून। बट यार मुझे डर लग रहा है मेरा हेयर ड्रायर ना ख़राब हो जाए इस बलून के चक्कर में। एंड अब मैं ऑन करती हूँ मेरे हेयर ड्रायर को। तो गाइस आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा पीछे से, बट यार मैंने वॉल्यूम ऑफ नहीं करी है ताकि मैं आपको हेयर ड्रायर चला के दिखा सकूँ। हेयर ड्रायर चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि बलून जो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और ये चलता चलता मेरा हेयर ड्रायर भी ख़राब हो गया, ये चलना बंद हो गया यार, अच्छा सा चल रहा था पता नहीं इसको क्या हो गया है, और बलून का तो हैक वर्क नहीं किया, और यार मेरा हेयर ड्रायर पता नहीं क्यों रुक गया चलता चलता गाइस।
ओके फ्रेंड्स, तो हेयर ड्रायर वाले हैक से मुझे ये हैक अच्छा लगा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। आप प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो, बॉटल के अंदर और कैप के अंदर आप होल बना सकते हो और ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क करेगा नहीं। बट गाइस, हेयर ड्रायर वाला हैक आप मत ट्राई करना, उससे अच्छा आप ऐसे बॉटल वाला हैक ट्राई कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ बलून और देखते हैं कि बॉटल से हम ऐसे कितने सारे बलून्स फुला सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हैक वर्क कर रहा है। उससे ज़्यादा मुझे ये वाला हैक अच्छा लगा कि आप ऐसे वेस्ट बॉटल को यूज़ कर सकते हो। और बॉटल की हेल्प से आप जितने मर्जी बलून्स ब्लो कर सकते हो। यार ये हैक मुझे अच्छा लगा। हेयर ड्रायर वाला आप मत ट्राई करना, उससे अच्छा आप ये हैक ट्राई कर सकते हो गाइस। इट रियली वर्क्स, ये वाला हैक सच में वर्क कर रहा है एंड मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।